साथियों, मेरा नाम है कपिल, मेरी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। हम आए हैं यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 20 के 300 मीटर के साइज में हम आए हैं। अभी जहां जिस लोकेशन में मैं खड़ा हूं, इस लोकेशन को थोड़ा सा डिफाइन करता हूं, फिर हम कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। कल यमुना अथॉरिटी की एक 72वीं बोर्ड मीटिंग हुई है, उसके अंदर कुछ मुख्य बिंदुओं पे, एक से दो पॉइंटों पे हम बात करेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ पे अलॉटी है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, अभी मैं जो खड़ा हूँ सेक्टर 20 के ओ और एम पॉकेट की डिवाइडिंग रोड है, 18 मीटर रोड, उस पर खड़ा हूँ। ये सामने 45 मीटर रोड है, वो कनाल है, कनाल के उस साइड में 1000 मीटर के प्लॉट है। अब मेरे इस साइड में आप देखेंगे तो ये 18 मीटर की रोड है। 18 मीटर की रोड दो पॉकेट्स को डिवाइड करती है। लेफ्ट साइड में एम पॉकेट है, ये जो आप देख रहे हैं सेक्टर 20 पॉकेट एम, प्लॉट नंबर 676 से 688। तो ये आपका सेक्टर 20 की एम पॉकेट है, साइज 300 मीटर का है। इधर आप देख रहे हैं, ये सेक्टर 20 की ओ पॉकेट है, इधर प्लॉट नंबर 1 से 25 तक, ये प्लॉट नंबर 1 से 25 तक की लाइन है सीधा, ये सर्विस रोड पे है। तो साथियों, ये डेवलपमेंट आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे आपका मार्किंग हो गई है, सीवर का काम खत्म हो गया है, स्ट्रीट लाइट का काम खत्म हो गया है, प्लस आपका ये जो रोड का पूरा काम कंप्लीट कर दिया है। अभी मैं आपको बताऊं एक मुख्य बिंदु पे जो हम बात करने की बात कर रहे हैं, कल यमुना अथॉरिटी की 72वीं बोर्ड मीटिंग हुई है। 72वीं बोर्ड मीटिंग में उन्होंने क्या फैसले लिए हैं, सबसे बड़ा फैसला तो ये लिया है कि जिन अलॉटियों को 31 दिसंबर तक रजिस्ट्री करानी थी, जिनका प्लॉट मौके पे डेवलप होके चेकलिस्ट जारी हो चुकी है, उनको 31 दिसंबर की जगह 31 मार्च तक का टाइम बढ़ा के 3 महीने का टाइम बढ़ा दिया गया है। तो सबसे पहले तो उनको ये 3 महीने और मिल गए हैं, वो आप अपनी 3 महीने बाद, 3 महीने के अंदर अंदर रजिस्ट्री करा सकते हैं कभी भी, उन पर कोई पेनल्टी चार्ज नहीं है। जिनको चाहे वो आपका प्लॉट हो या फ्लैट हो, यमुना अथॉरिटी के अंदर किसी भी चीज़ की जो चेकलिस्ट उनको जारी हो चुकी है, किसी भी सिगमेंट में हो या प्लॉट्स में हो, फ्लैट में हो, वो 31 मार्च तक अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या है कि जो हमारे एलओटी आउट ऑफ इंडिया रह रहे हैं या इंडिया में भी रह रहे हैं लेकिन वो नहीं आ सकते हैं अथॉरिटी में रजिस्ट्री कराने, तो उनके लिए प्राधिकरण ने आपका पावर ऑफ अटोर्नी का प्रोसेस कराया। पावर ऑफ अटोर्नी, आप स्पेशल पावर ऑफ अटोर्नी या जनरल पावर ऑफ अटोर्नी आप ब्लड में किसी को भी दे सकते हैं और वो आके यहाँ प्राधिकरण में रजिस्ट्री करा सकते हैं। जैसे आप इंडिया के अगर अंदर हैं और आप किसी दूसरे स्टेट में या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो आपको क्या करना है, अपने सब रजिस्ट्रार के यहाँ जाके पावर ऑफ अटोर्नी जिसको आप दे रहे हैं उसके नाम रजिस्टर्ड कराना है। उसके बाद वो लायबल होंगे, वो आके रजिस्ट्री करा सकते हैं, उनको परमिशन मिल जाएगी कि भाई वो आपके बिहाफ पे आके अपनी आपकी रजिस्ट्री करा सकते हैं अगर आप नहीं आ सकते हैं। जो कस्टमर हमारे, जो एलओटी हमारे आउट ऑफ इंडिया है, किसी भी कंट्री के अंदर है, वो अपने वहाँ से एम्बेसी के थ्रू पावर ऑफ अटोर्नी भेज सकते हैं और उनको उनके अपने किसी भी ब्लड में, आपका ब्लड रिलेशन में आप पावर ऑफ अटोर्नी भेज के आप अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं। तो ये भी एक प्रोविजन यमुना अथॉरिटी ने किया है। तो आप अगर इंडिया के अंदर हैं तो अपने सब रजिस्ट्रार में या जहां आपका प्लॉट है वहां के सब रजिस्ट्रार में रजिस्टर्ड करा के आप किसी को भी भेज सकते हैं। तो अगर आप यहां तक आ सकते हैं तो फिर तो खुद ही रजिस्ट्री करा लेगा आदमी, लेकिन आप जहां भी हैं कोई से भी स्टेट में इंडिया में, वहां अपने पावर ऑफ अटोर्नी को रजिस्टर्ड करा के आप किसी के भी नाम भेज सकते हैं अपने ब्लड में। ब्लड में कुछ रिलेशंस हैं, अगर आपकी कोई समझ में ना आए तो आप मेरे से कॉल करके पूछ सकते हैं, इसको मैं अच्छे से आपको डिफाइन कर दूंगा। दूसरा, अगर कोई आउट ऑफ इंडिया है, आउट ऑफ इंडिया वालों को मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, वो अपने ब्लड में किसी को भी पावर ऑफ अटॉर्नी एम्बेसी के तहत भेज सकते हैं। एम्बेसी के तहत सीधा उनके होम एड्रेस पे पावर ऑफ अटॉर्नी भेजेंगे, वो लायबल होंगे आगे रजिस्ट्री करने के लिए। तो ये कोविड की जो सिचुएशन है, कोविड की सिचुएशन को देखते हुए प्राधिकरण ने इस तरीके के डिसीजन लिए हैं ताकि थोड़ा इजी हो जाए लोगों को अपनी रजिस्ट्री वगैरह कराने में, जो बार बार टाइम एक्सटेंड करना पड़ रहा है प्राधिकरण को, वो बार बार टाइम एक्सटेंड ना करना पड़े। तो साथियों, ये दोनों पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज तो आपके रजिस्ट्री के लिए तीन महीने का समय और बढ़ा दिया गया है। दूसरा ये है कि अगर आप नहीं आ सकते तो आप किसी को भी अपने परिवार में पावर ऑफ अटॉर्नी देके
रजिस्ट्री कराने के लिए आप उनको भेज सकते हैं। तो ये दोनों ही टॉपिक मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। बाकी यमुना एक्सप्रेसवे पे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जितने भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ज़्यादातर प्राधिकरण के प्लॉट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फ्रेश में भी जा रहे हैं लोग और रीसेल में भी जा रहे हैं। तो वो उन टॉपिकों पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ पहले, और आपसे मैं यही बोलूँगा अगर कोई भी क्वेरी हो यमुना एक्सप्रेस से रिलेटेड, आप गुरुदेव रियल इस्टेट को अप्रोच करें। गुरुदेव रियल इस्टेट यमुना एक्सप्रेस वे पे बेस्ट रीसेल मार्केटिंग कंपनी है, और आपको बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ डील देती है। सबसे पहली चीज ये है कि आपको प्लॉट देने से पहले प्लॉट का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराती है। आप हर तरह से जब संतुष्ट हो जाते हैं उसके बाद आप प्लॉट परचेज करते हैं साथियों, और ये सबसे बड़ी चीज है। अगर आपका प्लॉट में एक रुपया भी देने से पहले उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो रहा है तो आपको परचेज करने में जो संकोच है वो संकोच खत्म हो जाता है। और जब हम इतनी बड़ी पूंजी लगाते हैं कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी संतुष्टि बहुत जरूरी है। तो साथियों, और जैसे भी अपडेट्स आपको यमुना एक्सप्रेसवे के आते रहेंगे मेरे पास, मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा। ये दोनों ही बहुत मुख्य बिंदु थे, जो लोगों को परेशानी हो रही थी वो यमुना थोटी ने खत्म कर दी है। आपके माइंड में मैं एक चीज और क्लियर कर दूं अगर चल रही होगी, कि आप अपनी प्रॉपर्टी को पावर ऑफ अटोर्नी पे सेल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि केवल यमुना अथॉरिटी ने उन लोगों के लिए जनरल पावर ऑफ अटोर्नी या स्पेशल पावर ऑफ अटोर्नी का प्रावधान किया है, जो फर्स्ट टाइम अपनी रजिस्ट्री करा रहे हैं प्राधिकरण उनको रजिस्ट्री करेगा। जिसने प्लॉट आवंटी है, जिसको प्लॉट अलॉट हुआ है या उसने रीसेल में खरीदा है, केवल प्राधिकरण से उसके नाम पे जो रजिस्ट्री होनी है उसमें आप पावर ऑफ अटोर्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी ट्रांसफर के अंदर पावर ऑफ अटोर्नी का प्राधिकरण का कोई प्रोविजन अभी भी नहीं है, ना फ्यूचर में होगा। तो साथियों, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना आप। जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्री हो रही है प्राधिकरण टू अलॉटी या प्राधिकरण टू रीसेलर, जिसने रीसेल में ले रखा है प्लॉट, तो उसको प्राधिकरण अटोर्नी पावर ऑफ अटोर्नी के माध्यम से रजिस्टर कर रहा है, ना कि ट्रांसफर कर रहा है, ना कि आप कोई ट्रांसफर करके सेल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो साथियों, इस चीज को आप क्लियर एकदम क्लियर स्पष्ट समझ लेना कि फर्स्ट टाइम वाली जो रजिस्ट्री हो रही है, जो प्राधिकरण फर्स्ट टाइम रजिस्ट्री करता है, उस रजिस्ट्री को जनरल पावर ऑफ अटोर्नी या स्पेशल पावर ऑफ अटोर्नी के माध्यम से आप करा सकते हैं। आप प्लॉट को रीसेल नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में ये चीज आई होगी कि शायद इन्होंने पावर ऑफ अटोर्नी, अगर हम किसी का प्लॉट पावर ऑफ अटोर्नी पर ले लेते हैं तो वो हम परचेज कर सकते हैं या अपने नाम ट्रांसफर करा सकते हैं, ऐसा नहीं है। केवल रजिस्ट्री के लिए इन्होंने पावर ऑफ अटोर्नी का इस्तेमाल किया है, और वो भी सिर्फ फर्स्ट वाली के लिए। आप अगर रीसेल करेंगे तो रीसेल में पहले ट्रांसफर डलता है, ट्रांसफर का कोई प्रोविजन नहीं है, ट्रांसफर के लिए उनको आना ही होगा। तो साथियों, ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप जितने भी यहाँ एलओटी हैं, जितने भी यहाँ पे लोग पहले प्लॉट परचेज कर चुके हैं, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना अगर किसी की पेंडेंसी है, कोई अगर नहीं करवा पाया अब तक, तो वो उसको करवा सकता है। उनके लिए टाइम भी एक्सटेंड कर दिया गया है, 3 महीने के अंदर अंदर आप दोबारा करवा सकते हैं जिनका नहीं हुआ है। साथियों, यमुना एक्सप्रेसवे पे रीसेल में अगर आपको कोई चीज़ परचेज करनी हो या यमुना एक्सप्रेसवे से रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी हो जो माइंड में चल रही हो, क्लियर नहीं हो रही हो, तो आप गुरुदेव रियल इस्टेट को अप्रोच करें। गुरुदेव रियल इस्टेट आपकी हेल्प करेगी और आपके काम का सॉल्यूशन देगी आपको। तो साथियों, हम यमुना एक्सप्रेसवे पे रीसेल मार्केटिंग का वर्क करते हैं। अगर यहाँ पे आपको सेल परचेज करनी है तो आप हमारी कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं। हमारी कंपनी का दफ्तर यमुना अथॉरिटी के जस्ट बराबर में है, तो आप कभी भी यमुना अथॉरिटी आते हैं तो एक बार गुरुदेव रियल इस्टेट के ऑफिस जरूर आएं, जिससे आपका जो प्लॉट है या तो परचेज करना है या आपको सेल करना है तो उसकी आपको बेस्ट वैल्यू का पता चल सके। तो साथियों, एक बार अपने प्लॉट के इंस्पेक्शन के लिए या रेट के कोटिंग के लिए आप गुरुदेव रियल इस्टेट आएँ और आपको बेस्ट रेट जो मार्केट का आज का रेट है वो दिया जाएगा। अभी हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं, और यमुना एक्सप्रेस से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो, आप कॉल के माध्यम से, हमारे दो नंबर है 9873442971, ये नंबर मिस्टर नरेंद्र यादव जी देखते हैं, मेरा नंबर है 9667519002, मेरा नाम कपिल यादव है। साथियों, हम यमुना एक्सप्रेसवे पे बड़े ही ट्रांसपेरेंसी के साथ एक एक चीज़ दिखाने की कोशिश आपको करते हैं। केवल प्राधिकरण की चीज़ आपको
पिच करते हैं, प्राधिकरण के प्लॉट्स की हम आपको वीडियोस दिखाते हैं, क्योंकि ये ही एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। और इस इन्वेस्टमेंट में आप अगर परचेज करेंगे तो फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब हम लैंड में इन्वेस्ट करते हैं तो लैंड में इन्वेस्ट करने के बाद देखो जो भी यहाँ का एरिया है वो धीरे 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 आपका कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग परचेज करते जा रहे हैं और प्राधिकरण के प्लॉट्स बड़े साइज अब निकलने बंद हो गए हैं। प्राधिकरण ने सबसे फर्स्ट टाइम में बड़े साइज निकाले थे, अब छोटे साइज प्राधिकरण निकाल रहा है। अगर आपको परचेज भी करना होगा तो आप रीसेल में ही परचेज करेंगे, तो इसलिए आप लैंड में इन्वेस्ट कीजिए। लैंड में इन्वेस्ट करने से फ्यूचर में आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। ये एग्जाम्पल आप किसी से भी ले सकते हैं, अपने घर में परिवार में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनसे भी आप राय ले सकते हैं कि आप ज़मीन में इन्वेस्ट करेंगे तो आप ज़मीन में इन्वेस्ट करने से आपको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिलेगा। और उसके बाद आप डिसीजन आपका होगा कि आपको उसको बेचना है बाद में या आपको उसको बनाना है, क्योंकि लोकेशन बहुत प्राइम है यमुना एक्सप्रेसवे की भी। साथियों अभी वीडियो को करते हैं समाप्त, कल मिलेंगे किसी दूसरी लोकेशन के साथ, दूसरी वीडियो के साथ। और मैंने जो दो तीन टॉपिक आपको बताए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको अपनी रजिस्ट्री करानी है तो आप इन टॉपिकों पे बात कर सकते हैं मेरे से, फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, मैं आपको राय दे दूंगा। आपको कोई चीज़ भी समझ में ना आ रही हो आप फ़ोन कर सकते हैं मेरे नंबर पे। तो साथियों करते हैं वीडियो को समाप्त, मिलेंगे कल किसी दूसरी लोकेशन पे दूसरी वीडियो के साथ। नमस्कार साथियों।